हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व रैपिड चेक वन क्वेश्चन। देयर आर फोर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2567 इज अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर नंबर दैट हैव 2, 3, 7 आर 8 इन देयर वन प्लेस आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो वन प्लेस पर क्या है, 7 है, तो कोई भी नंबर है उसके वन प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 में से कोई भी अगर वैल्यू यहाँ पर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ विच नंबर इज द सेम एज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स? तो वो संख्या क्या होगी, 5 ऑड नंबर यानी वो 25, यानी वो क्या है, 5 इज नंबर होगा जो उसका जो है स्क्वायर क्या है, 25 होगा। देखते हैं 5 का जो है स्क्वायर क्या है, 25 है। अब इसका जो है फर्स्ट 5 ऑड नंबर को ऐड करें तो फर्स्ट 1 है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये सभी क्या है, ऑड नंबर है। इनका जो हम सम करेंगे तो इक्वल टू 25 हो रहा है। ठीक है, सम करने पर क्या है, इक्वल टू 25 हो गया। थर्ड कर रहा है इज एवरी नंबर डैट हैज डिजिट 0, 1, 4, 6 और 9 इन वन प्लेस परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि क्या जो है प्रत्येक नंबर जो है जिसके जो है वन प्लेस पर क्या है 0, 1, 4, 6 और 9 है तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? नो, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें, अगर जीरो की बात कर रहा है तो वन प्लेस पर अगर 110 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर वन के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर हम 21 कहें तो इसके वन प्लेस पर 1 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी संख्या का। 4 के बारे में बात कर रहा है तो अगर हम 24 करें तो 24 में 4 है वन प्लेस पर तो यह भी किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह 9 के बारे में बात करें तो 29 है, 9 फर्स्ट पोजीशन क्या है, 29 है, 9 है तो यह भी किसी की संख्या का जो है स्क्वायर नहीं है। लेकिन कुछ संख्याएं हैं जिनके वन प्लस पर 0, 1 है या 9 है तो क्या है या 4 है तो वो एक स्क्वायर है, जैसे कि 81 वन प्लस पर 1 है या 9 का स्क्वायर है। उसी तरह आप जो है रख लीजिए 49 तो वन प्लेस पर 9 है लेकिन ये 7 का स्क्वायर है। ठीक है, उसी तरह और देखते हैं 36 है तो वन प्लेस पर 6 है ये किसका है, 6 का स्क्वायर है। तो इस तरह जो है वन प्लेस पर अगर 1, 0, 1, 4 या 6 या 9 हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हो, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, नो, या हमेशा जो नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर कुछ केसेस में। क्वेश्चन नंबर 4 है आर 8, 10 एंड 6 द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कह रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों क्या साइड हो सकते हैं? हाँ, यस, हो सकते हैं। तो कैसे, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के थ्रू। इफ द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें से मान लीजिए जो है 8, 10 और 6 है तो इसमें अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर जो है अगर हम इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर जो है इसमें से क्या है 6 है तो अगर हम 6 मान लेते हैं तो हमें मालूम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 2m दूसरा होता है m² - 1 और थर्ड वाला साइड होता है m² + 1, 3 साइड से। अगर हम स्मॉलेस्ट 2m = 6 मान लें, हम 6 मान लेते हैं तो m = हो जाएगा 6/2 = 3। अब हम बात करते हैं m² - 1 का, तो m² यानी m के वैल्यू हमारा 3 निकल गया है तो 3² - 1 = 3, 3 = 9 - 1 = 8 हो गया। उसके बाद थर्ड है m² + 1, m यानी 3² + 1 यानी 3 × 9 + 1 = 10 तो हमारी जो है जो वैल्यू ये निकले तो हम इसको कैसे लगाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से, a² + b²
इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी ये जो दो एडजेसेंट राइट एंगल ट्राइंगल का दो जो है एडजेसेंट साइड हैं और ये जो है क्या हाइपोटेनस है उसका। तो अगर हम जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू जैसे हमने सिक्स माना है तो ये एक साइड हो गया सिक्स स्क्वायर प्लस दूसरा जो है हमारा स्मॉल क्या है एट है और थर्ड जो है हमारा जो हाइपोटेनस हमेशा जो है दोनों से बड़ा होता है यानी टेन स्क्वायर। तो सिक्स सिक्स 36 प्लस 8 जा 64 इक्वल टू 10 जा 100। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 और 4 10 हो गया 9 एक 10 100 यानी लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड। इसका मतलब यह है कि जो तीनों जो है वैल्यू साइड दिए हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू फॉर वॉच मोर वीडियो। यू कैन विजिट माई यूट्यूब चैनल रंजीत सर EDU। थैंक यू।